Craigslist पे अकाउंट बनाने के बाद अगला स्टेप अक्सर ये होता है कि यू एक्चुअली पोस्ट एन एड ऑन Craigslist। एज ए फ्रीलांसर Craigslist आप ज़्यादातर पोस्टिंग फॉर द एड यूज़ कर रहे होंगे, और पोस्टिंग एन एड ऑन Craigslist इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। जो मेन पीछे डायनेमिक्स और एलिमेंट्स हैं एक ऐड के, वो तो वही हैं। कंटेंट इज़ ऑलवेज द किंग। तो जो कंटेंट आपकी ऐड का है वो अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, और क्लाइंट आपको वो तमाम रिक्वायरमेंट्स दे रहा होगा जिसको यूज़ करके आपने एड्स बनानी है। लेकिन Craigslist में ऐड पोस्ट कैसे करनी है उस पर हम ज़रा ब्रीफली नज़र डालते हैं इस सेशन के अंदर। जब अकाउंट बनाने के बाद आप Craigslist के मेन पेज पे पहुँचेंगे तो यू विल एक्चुअली सी पोस्ट टू क्लासिफाइड्स का एक लिंक होगा, जिस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इट विल टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप, कि जहाँ आप डिसाइड करेंगे कि आपने क्या पोस्ट करना है और कैसे पोस्ट करना है। बड़ा एक जेनेरिक सा डिज़ाइन है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। यू सेलेक्ट द लोकेशन, सो आई विल से डैलस, ऑटोमेटिकली कंटिन्यू पे नेक्स्ट हो जाएगा। किस तरह की पोस्टिंग जो है वो मैं ऑफ़र करना चाह रहा हूँ वो आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जॉब इज़ समथिंग विच आई वांट टू पोस्ट, मैं जॉब ऑफर्ड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद Craigslist मुझसे स्पेसिफिक कैटेगरीज पूछ रहा है कि किस कैटेगरी के अंदर मैं जॉब जो है वो ऑफ़र करना चाहता हूँ, और ऊपर प्राइस भी दे रहा है कि जो एड मैं रन करना चाहूँगा उसकी एड के जेनेरिकली पैसे जो हैं वो कितने हैं। फॉर एग्जांपल मैं बिज़नेस मैनेजमेंट की जॉब पे चाहता हूँ मैं पोस्ट करूँ, कस्टमर सर्विसेज की जॉब है मैं पोस्ट करूँ, तो मेरी जो टोटल है करंट वो बढ़ रहा है। इट हैज़ गॉन अप टू $90। अब क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन, देन इट विल टेक मी टू द नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ आप पोस्टिंग टाइटल लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेल्स जॉब इन डैलस, गुड पे एंड आवर्स, स्पेसिफिक लोकेशन आप यहाँ लिखेंगे। पोस्ट कोड क्या है, यूएस के अंदर पोस्ट कोड बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो यू राइट पोस्टल कोड ओवर हियर। उसके बाद फिर पोस्टिंग बॉडी है, आप बेसिकली क्या डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहते हैं, यू एक्चुअली राइट इट। यहाँ जो एक चीज़ जो समझने की है वो ये है कि ये बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और जेनेरिक किस्म का ओवरव्यू आपको यहाँ देना होगा इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। आपको बहुत ज़्यादा फ्रिल्स उसमें यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं वापस में Craigslist ही के पेज पे जाऊँ तो मैं अगर आपको एक ऐड एज एन एग्जाम्पल ओपन करके दिखाऊँ, अपार्टमेंट्स के ऐड में चलते हैं, और इनमें से फॉर एग्जांपल इस ऐड पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ आप देखें तो एक टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर आपको ये ऐड जो है वो लिखी हुई नज़र आ रही है, एंड दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली क्रिएट दी ऐड। आप अपना टेक्स्ट यहाँ लिखेंगे, एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा चंद और इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई हैं, कंपनसेशन यानी कि सैलरी आपने कितनी देनी है, कंपनी का नाम क्या है, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट जो है वो क्या होगा। यहाँ ज़्यादातर लोग जो है वो Craigslist ही का ईमेल एड्रेस यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आपने अपना रियल ईमेल एड्रेस दिखाना है यूज़र्स को तो यू कैन एक्चुअली शो ईमेल एड्रेस, अदरवाइज यू कैन लीव इट एज इट इज़। फ़ोन नंबर जो है वो अपना आप इधर दे सकते हैं, एंड देन द लोकेशन। एंड वंस यू हैव रिटन ऑल दिस इन्फॉर्मेशन देन यू क्लिक ऑन दिस कंटिन्यू बटन एंड इट विल टेक यू टू द लास्ट स्टेप इन ऑर्डर टू पोस्ट इट। तो जैसे आप अखबार में एक इश्तहार देते हैं, उसी तरीके से Craigslist एक ऑनलाइन अखबार है, और इस पर इश्तहार देने के लिए वो आपसे क्लासिफाइड ऐड के पैसे मांगता है, और पैसे आप उस लिहाज से फिर दे रहे होते हैं। एट टाइम्स इट इज़ वेरी चीप इन ऑर्डर टू पोस्ट एड्स ऑन Craigslist, और चूंकि इसकी रीच बहुत ज़्यादा है तो इसकी वजह से काफ़ी लोकल बिजनेसेस इसको यूज़ कर रहे होते हैं, कि रादर दैन कि हम अखबार के अंदर अपनी ऐड दें, हम ऑनलाइन Craigslist में अपनी ऐड दे देते हैं। दोस्तों इसको अपने तौर के ऊपर सर्च करें, और हो सकता है इन द फ्यूचर फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे आपको कोई जॉब Craigslist की मिले, और फिर वहाँ जाके आपको ये एटलीस्ट फीलिंग नहीं होगी, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा कि जी हमें तो इस सॉफ्टवेयर का, ये प्लेटफॉर्म का पता ही नहीं है। यू हैव ऑलरेडी नोन Craigslist नाउ, सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू रिसीव द जॉब फील फ्री एंड बी कॉन्फिडेंट टू डू दैट जॉब।